इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज फिर एक नया इतिहास लिख दिया है। इसरो ने 11 दिसंबर को ताकतवर राडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट 2BR सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस सैटेलाइट की मदद से अब भारत दुनिया भर में और भी ताकतवर हो जाएगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाद अब देश की सीमाओं पर नजर रखना आसान हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौसम के खराब होने या रात के अंधेरे में भी ये सीमाओं की स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। इसरो इस सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा। 628 किलोग्राम वजनी रीसेट 2BR1 सैटेलाइट को पृथ्वी से 576 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। रिसेट 2BR1 दिन और रात दोनों के समय काम करेगा। ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाला सैटेलाइट है, इसलिए इसे रडार इमेजिंग सैटेलाइट कहते हैं। रिसेट 2BR किसी भी मौसम में काम कर सकता है, साथ ही बादलों के पार भी तस्वीरें ले पाएगा। देश की सेनाओं के अलावा ये कृषि, जंगल और आपदा प्रबंधन विभागों को भी मदद करेगा। 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के बाद शुरुआती रिसेट सैटेलाइट की तकनीक में बदलाव किया गया था। इन हमलों के बाद सैटेलाइट के जरिए सीमाओं की निगरानी की गई थी और घुसपैठ पर नजर रखी गई थी। साथ ही आतंक विरोधी कामों में भी ये सैटेलाइट उपयोग में लाई जाती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।